आज मैं खड़ा हूँ टाटा पंच कैमो के सामने में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टाटा पंच किसे लेना चाहिए, किसके लिए परफेक्ट रहेगी, क्या प्राइसिंग में आती है, इसके अंदर में क्या फीचर्स दिए गए हैं। आज मैं खड़ा हूँ टाटा पंच कैमो के साथ में। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि कैसी है टाटा पंच। चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं टाटा पंच के फ्रंट लुक की। स्टार्टिंग में हम जैसे ही पंच को देखते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे टाटा का लोगो, साथ में एक पियानो फिनिश के साथ में ग्रिल मिलती है जो कि सिर्फ हॉर्न की प्लेसमेंट के एरिया को ओपन किया गया है जो कि डायमंड कट में है। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा टर्न लेते हैं हमें यहाँ पे DRL मिल जाते हैं जो कि हेलोजन है, ना कि वाइट लाइट या फिर LED नहीं है। यहाँ पे हमें पार्किंग लैंप बोलो या फिर साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि ये भी हेलोजन है, ना कि LED है। अब जैसे ही हम उसके थोड़े से नीचे में आते हैं हमें मिल जाती है यहाँ पे हेडलाइट, इसी में अपर डीपर दोनों एक ही यूनिट से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद में हम जैसे ही थोड़े नीचे आए हमें यहाँ पे मिल जाता है फॉग लैंप। उसके साथ में यहाँ पे हमें ग्रिल की डिजाइनिंग्स मिलती है जो कि 3 वाइड टाइप के इसमें है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है, ये रहा इसका रेडिएटर का पार्ट। चलिए जैसे ही हम बात करते हैं सेम एज इट इज जैसा उस साइड में वैसा ही है, बस यहाँ पे हमें टोइंग हुक देता है जो कि इसे क्लिक करने पे यहाँ पे हम टोइंग क्लिप जो आता है एक नट टाइप का उसे ऐड करके हम यहाँ से कार को कभी कोई चांस फंस गए बाय चांस तो हम इसे टोक कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन ड्राइवर साइड की और उस साइड की, मीन्स ड्राइवर साइड के पूरे साइड की बात करते हैं कि कैसे दिखती है उस साइड से टाटा पंच। यहाँ पे हम जैसे ORVM पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें साइड मिरर के साथ में एक इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे साथ ही में हमें कैमो की बैजिंग मिल जाती है। अब बात करते हैं अपन नीचे में जो कि टायर साइज, इसमें 185/70R 15 इंची का टायर दिया गया है। ये स्टील रिम है, बस इसमें थोड़ा सा प्लास्टिक कवर दिया गया है जो कि टाटा एक बहुत ही अच्छा अपने सेगमेंट में अच्छा खासा वर्क, जो कि अलॉय व्हील की कमी हमें महसूस होने नहीं देती है। चलिए अब जैसे ही हम थोड़ा सा अपर में बात करते हैं यहाँ पे हमें साइड स्लाइडिंग मिल जाती है जो कि ब्लैक कलर में है, कलर के ही हैंडल मिल जाते हैं, साथ ही में कीलेस एंट्री का ऑप्शन दिया जाता है। अब मैं जैसे ही थोड़े से बैक साइड में आता हूँ, मीन्स बैक साइड में हमें पैसेंजर डोर ओपन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, हम इसे ओपन कर सकते हैं इस टाइप से जो कि स्विफ्ट में भी बहुत आता है। सेम पीछे साइड में भी हमें 15 इंची के टायर ही मिलते हैं, ऑफकोर्स चारों टायर सेम ही मिलेंगे। अब जैसे ही हम बैक साइड में आते हैं टाटा पंच के, ऑप्शन मिल जाता है स्पॉइलर पे वोकल फॉर लोकल की बेजिंग जो कि टाटा और महिंद्रा दोनों ही गाड़ियों में अपनी दे रही है। यहाँ पे हमें मिलता है टाटा का लोगो, साथ ही में नीचे हमें मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। यहाँ पे पंच की बेचिंग दी गई है जो कि ब्लैक कलर में है, मेट ब्लैक है। उसके नीचे में यहाँ पे हमें नंबर प्लेट की लाइट्स मिल जाती है, नंबर प्लेट का ऑप्शन मिल जाता है। और जैसी मैं बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें वाई शेप के इंडिकेटर हमें यहाँ पे वाई शेप का मिल जाता है जो कि फ्रंट ग्रिल में यूज़ किया गया था। यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं लेकिन ये कोई काम के नहीं है, जब तक मड प्लेट ना लगे कोई काम का नहीं है वो। अब पीछे की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन मिल जाती है लाइट की, बट इसमें भी इंडिकेटर LED नहीं है, सबके सब हेलोजन है। हमें यहाँ पे 2 सेंसर्स मिल जाते हैं, 4 सेंसर्स नहीं प्रोवाइड करती है टाटा। यहाँ पे हमें पेट्रोल टैंक मिल जाता है जो कि फ्यूल लिड सामने से ओपन होगी। चलिए ये तो बात हुई इसके आउटर की, अब हम बात कर लेते हैं हाथ लगे इसी के इंजन की कि कौन सा इंजन इसमें आता है और क्या प्राइसिंग मिलती है। चलिए आपको मिलता हूँ सीधे मैं इंजन पार्ट में। करते हैं इसका बोनेट और उसके बाद में बताते हैं आपको इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन। कोई भी हमें हाइड्रोलिक नहीं मिलता है, नॉर्मल डंडी यार हर कहीं यही यूज होती है, कुछ तो इम्प्रूव कर रहा है टाटा वाला। इसमें मिलता है हमें 1199 यानी 1200 cc का इंजन जो कि सिर्फ 3 सिलेंडर में आता है, 4 सिलेंडर का इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाता। ये रहा टाटा पंच का 1200 cc का इंजन जो कि 3 सिलेंडर में है। इसकी पावर की बात करें तो 63 kW का 600 RPM पे ये पावर जनरेट करता है अपनी, और टॉर्क की बात करें 113 Nm का टॉर्क 3300+ RPM पे जनरेट करता है। ये 5-speed मैनुअल प्लस AMT के ऑप्शंस में आता है। चलिए ये तो बात हुई इसके इंजन की, अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की कि टाटा पंच का डायमेंशंस क्या है, इसकी लेंथ कितनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा पंच के डायमेंशंस की। बात करें इसके लेंथ की तो 3827 इसकी लेंथ है, और विड्थ की बात करें तो 1742 इसकी विड्थ है। अब हाइट की बात करें तो 1615 mm इसकी हाइट है। अब बात कर लेते हैं इसकी व्हील बेस की तो 2445 mm का इसमें व्हील बेस है। चलिए अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस की। टाटा पंच की हमें ऐसी 2 चाबियां मिलती है, इसमें हमें मिल जाता है 366 लीटर का बूट स्पेस। हम जैसे ही क्लिक करके रखते हैं इसकी बटन पे तो ऑटोमेटिक इसकी डिग्गी ओपन हो जाती है। ये देखिए ऑटोमेटिक इसकी की से ही बूट ओपन हो जाती है। ये रहा इसका 366 लीटर का बूट स्पेस। यहाँ पे हमें पार्सल ट्रे मिल जाती है,
अब आए हैं पीछे साइड में, तो हम इसके बैक स्पेस की पूरी बात ही कर लेते हैं। यहाँ पे बूट के नीचे ही हमें स्टेपनी का ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पे पूरी टूल किट दी गई है। यहाँ पे ये रहा इसका टाटा का, जो कि पंचर के समय में सॉल्यूशन वगैरह जो देते हैं उसकी किट है। साथ ही में एयर प्रेशर की मशीन है, ये इसका सस्पेंशन का है जो कि इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाती है एक लाइट जो कि नाइट की विजिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ा देती है हमारे लिए। चलिए ये तो बात हुई इसके बैक साइड की, अब बात कर लेते हैं टाटा पंच के इंटीरियर की। हमें एंट्री लेने के लिए यहाँ पे मिल जाती है कीलेस एंट्री, हम इसे ओपन कर सकते हैं। चाबी जेब में भी रहेगी आपकी तो आप एंट्री कर सकते हैं नॉर्मली। चलिए अब बात करते हैं अपन इंटीरियर की। बात करते हैं अपन टाटा पंच के इंटीरियर की। हमें मिल जाता है खूबसूरत सा स्टेयरिंग टाटा के लोगो के साथ में, प्लस स्टेयरिंग माउंटिंग बटन। अब यहाँ पे मिल जाता है हमें ऑन ऑफ करने के लिए पुश स्टार्ट बटन। तो चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसका डिजिटल स्पीडोमीटर। डिजिटल मीटर मीन्स सिर्फ थोड़ा सा रहेगा हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बाकी तो सब एनालॉग है। चलिए आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये रहा टाटा पंच का स्पीडोमीटर के सामने का फ्रंट लुक। ये रहा हमें यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं, इंडिकेटर के कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। अब बात करते लेफ्ट साइड में, तो हमें यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक है, इसका सेंसर यहाँ पे दिया रहता है। अब बात कर लेते हैं इस मिरर की, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है, हमें हैंड से ही एडजस्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कोई भी हमें वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें लाइट मिल जाती है, रीडिंग लैम्प बोले ये हेलोजन है। इस साइड में वैनिटी मिरर हमें प्रोवाइड किया जाता है, बट इसमें जो कि अधिकतर गाड़ियों में आता है कवरिंग कैप, वो नहीं आ रही है। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है। चलिए थोड़ी सी लाइट्स ऑन कर लेते हैं। ग्रैब हैंडल के बाद जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ड्रोर का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही में पूरा प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है टाटा पंच में। यहाँ पे मिल जाता है हमें टाटा पंच का एसी वेंट, और यहाँ पे खूबसूरत सा ब्लैक टच में दिया गया है जो कि हार्ड है ना कि प्लास्टिक। सेंटर कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे मिल जाता है आपको हरमन का साउंड सिस्टम जो कि यहाँ से ऑन हो जाता है, मैंने इसे ऑफ कर दिया था अभी। ये रहा इसका हरमन सिस्टम, साउंड सिस्टम से अभी ऑफ कर देते। यहाँ पे मिल जाते हैं दो एसी वेंट्स, ये हमें हैजार्ड लैंप का ऑन ऑफ का स्विच है। जैसे आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे ऑन ऑफ एसी की यहाँ पे स्विच दी गई है, यहाँ से आप हीटर प्लस एसी वेंट्स, इसको मैं फ्लो को ऑफ कर देता हूँ नहीं तो आपको नॉइज आएगी, मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर एसी को। यहाँ पे ऑफ ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे पूरे एंगल्स दिए गए किस साइड में चाहिए। यहाँ पे हीटर का ऑप्शंस भी दिया जाता है, ये इसकी की जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब जैसे ही आप नीचे में बात करें तो यहाँ पे हमें एक यूएसबी स्लॉट मिल जाता है, प्लस 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता। ये रहा इसका मैनुअल गियरबॉक्स जो कि 5 स्पीड में आता है। इसमें फैब्रिक नहीं मिलता है, बट इस सीट कवर बहुत ही प्यारे डिजाइन में है, मजा आ जाता है देखते के साथ ही में। यहाँ पे हमें हैंड ब्रेक दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, ज़्यादा नहीं दिया है। यहाँ पे भी शायद चार्जिंग का ऑप्शन देने वाले थे बट दिए नहीं है। यहाँ पे की रखने का है, सॉरी मैंने इस साइड में रख दिया है की। यहाँ पे की रख सकते हैं, सीट बेल्ट होल्डर है यहाँ पे। चलिए ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की, चलिए बात कर लेते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। इसको आप पुल करेंगे तो यहाँ पे हमें एक ग्लव बॉक्स बहुत प्यारा सा लाइट के साथ में मिल जाता है, जो कि आप अपन यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे दो दिए जाते हैं, जनरली इसे डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला जाता है एंड इसे अदर ऑप्शन के लिए। यहाँ पे डोर की बात करें तो आराम से यहाँ पे एक बॉटल, दो बॉटल आ सकती है, प्लस अम्ब्रेला भी आ सकता है, छतरी यार छतरी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें मिल जाती है ट्विटर की प्लेसमेंट्स, इस साइड में भी ट्विटर मिल जाता है, प्लस इसमें हरमन का साउंड सिस्टम आपको सुनाएंगे अभी कैसा दिखता है। ये रहा इसका सीट बेल्ट जो कि एडजस्टिंग के साथ में नहीं आता है। चलिए ये तो बात हुई इसके फ्रंट साइड की, अब बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की। अब बैक साइड जाने से पहले आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे आ जाता है हमें इको का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑफ ऑन का ऑप्शन मिलता है, ऑटो स्टार्ट का मिल जाता है। यहाँ पे जो कि जनरली कंट्रोल्स रहते हैं मिरर प्लस अपने विंडो के। चलिए अब बात कर लेते हैं अपन बैक साइड की। जाने से पहले आपको जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे प्रेस करके रखना पड़ता है, ये रहा। अभी जनरली ये सीट जो एडजस्ट है मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, मेरी हाइट 5'7" है, तो चलिए बैठने के बाद देखते हैं उस टाइप में कितनी स्पेस बच जाती है। चलिए आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ मैं।
यहाँ पे आप जैसे देख रहे होंगे काफी हद तक लेगरूम बहुत प्यारा है। अब बात करें हेडरूम की, यदि मे बी पॉसिबल होगा आपको देख रहा हूँ, इतना हमें हेडरूम मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे बीच में ज्यादा बड़ा हब नहीं दिया, नॉर्मली है छोटा सा, तीन बंदे इजीली बैठ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया है, यहाँ पे हुक दिया हुआ है, थोड़ा सा कुछ भी आप लोड वगैरह ले जा सकते हैं मार्केट वगैरह से। यहाँ पे सीट के बैक साइड में ऑप्शन दिया गया है, कोई चीज रख सकते हैं अपन, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट प्लस यहाँ पे साउंड की प्लेसमेंट दी गई है। चलिए ये तो बात हो गई टाटा के इंटीरियर की, अब बात कर लेते हैं इसके सेफ्टी प्लस प्राइस। सेफ्टी की जैसा कि आपको पता होगा टाटा पंच 5-स्टार रेटिंग लेके आई है ग्लोबल एनकैप में। और बात करें इसके प्राइसिंग की तो 6 लाख से लेके 10 लाख एक्स शोरूम टाटा पंच आपको मिल जाएगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।